भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। सीमा ने ये राखी बांधी है हमारे, ये वचन है, पूरे जीवन का वचन है कि हम इसके लिए तन मन धन से पूरी रक्षा करते रहेंगे। इसके दुख हमारे सुख इसके सुख। ये अगले जन्म में मेरे भैया रहे होंगे, तभी भगवान ने दूसरे जन्म में हमें मिलाया। भगवान ने बचपन में छोटे छोटे भगवान के, हमारे दोस्त एक होती थी तो छोटी भगवान होती थी, मैं उसे पहन लेके पहना करती थी, हालांकि डांट पड़ती थी, जरूर कोई कनेक्शन होगा तभी तो बड़े हो गए सब हुआ। मेरे पति मेरे हीरो हैं, आपके पति हीरो हैं बिल्कुल। जो लोग इस तरीके का टिप्पणी कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेगी आप? मेरा और भगवान का रिश्ता है, ये लोग कौन होते हैं? मैं भगवान की अगर पूजा करती हूँ अपने मन से करती हूँ, मेरे भगवान जानते हैं। भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला है, इसको लेकर आप किनका सपोर्ट करें? इसको सपोर्ट करेंगे, जाहिर सी बात है हिंदुस्तान को ही करूँगी, अब हिंदुस्तानी हूँ मैं। ये सोचने वाली बात ही नहीं, आप ही समझ जाओ। मैं पाकिस्तान के उन असामाजिक तत्वों को करारा जवाब देना चाहता हूं जो बहन भाई के रिश्ते को महत्व नहीं देते हैं। भारत भाई बहन के रिश्ते को बहुत महत्व के साथ मानता है, पूरी शिद्दत के साथ मानता है। सीमा जो है भारतीय संस्कृति में ढल रही है, यहाँ पर ये देखिए आशीर्वाद भी दे रहे हैं। पूरा आशीर्वाद है, घर है। ऐसे में हम सीमा मीना के घर पे हैं, जहाँ पर इनके वकील एपी सिंह पहुँचे हुए हैं गिफ्ट लेकर राखी बंधवाने के लिए, और ये सीमा से राखी भी बंधवा चुके हैं। और इससे पहले आपने देखा होगा कि सीमा जो है भारतीय संस्कृति में ढलने का प्रयास कर रही है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि 15 अगस्त को तिरंगा भी फहराई, फिर तीज पर्व भी मनाई, और उसके बाद चंद्रयान 3 जो है जब चंद्रमा पर गया तो उस समय भी ये जश्न मनाई, और अब अगर देखा जाए तो रक्षाबंधन का त्यौहार भी मना रही है। सीमा ये बताइए कि कितना खुशी आपको लग रहा है, किनको किनको आप राखी भिजवाई? बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने मोदी जी योगी जी इन सबको मैंने राखियाँ भिजवाई हैं, और एपी सर को भी मैंने राखी भिजवाई थी। हाँ। आज ही मेरे घर पे आए, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है आज। हाँ। ज़्यादा इससे पहले कि ये आपके वकील हैं और अब ये भाई भी बन चुके हैं, बिल्कुल बहुत खुश हूँ मैं, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। हाँ। भाई बन गई, इससे बड़ी खुशी कोई हो ही नहीं सकती, दुनिया में सबसे अच्छा रिश्ता भाई बहन का है। हाँ। बिल्कुल बहुत खुश हूँ मैं। जो गाना है कि भैया मेरे राखी का लाज तू निभाना, तो अब आपके लिए खड़े होंगे एपी सिंह? बिल्कुल, मुझे अच्छा लग रहा है मेरे भैया मेरे पास आए, बहुत खुश हूँ मैं, बिल्कुल खुश हूँ। अच्छा, इससे पहले देखा जाए तो आप 15 अगस्त को तिरंगा भी फहराई, तीज पर्व भी मनाई, चंद्रयान 3 जब वो चंद्रमा पे गया तो आप जश्न भी मनाई, और फिर अब रक्षाबंधन का त्यौहार भी मना रही है। भारतीय संस्कृति में पूरी तरीके से आप ढल चुकी हैं? बिल्कुल ढल चुकी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, सारे त्यौहार मनाऊंगी, अब जन्माष्टमी आ रही है वो भी मनाऊंगी, सारे त्यौहार मनाऊंगी धूमधाम से मनाऊंगी। हिंदुस्तान के जितने भी त्यौहार है सारे धूमधाम के साथ बिल्कुल मनाऊंगी, बिल्कुल ही मनाऊंगी। उनके लिए क्या कहना चाहोगे? आपको देख देख के कुछ लोगों को मिर्चे लग रही है। लगती हैं, लगने दो, हम भाई कहते रहेंगे, मेरा और भगवान का रिश्ता है, ये लोग कौन होते हैं? मैं भगवान की अगर पूजा करती हूँ अपने मन से करती हूँ, मेरे भगवान जानते हैं। और पति जैसा भी हो, किसी का पतला हो दुबला हो, उसके लिए टिप्पणी करना क्या? मेरे पति मेरे हीरो हैं। आपके पति हीरो हैं? बिल्कुल। जो लोग इस तरीके का टिप्पणी कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेगी आप? ये बात छोड़ दें आप, ना कहें उनको, ना कहें, बस मेरे पति मेरे हीरो हैं। एक गाना रक्षाबंधन का त्योहार है और भैया जो है आपके राखी का लाज निभाने आए हुए हैं। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा गाऊं जितना मुझे आता है। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। सर आप क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ अगर देखा जाए तो सीमा जो है विरोध के बीच, बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं, तमाम तरीके का टीका टिप्पणी कर रहे हैं, और इस बीच जो है आप भाई बनकर खड़े हैं वकील के सामने। बीती ताय बिसार दो, आगे की सुध लो। जो बात गई वो खत्म, वो छोड़ो, अब नई बात करो। नया जोश है, नई उमंगे, नया त्योहार है, नया रक्षाबंधन का पर्व है, उसके साथ हम जिएंगे। आज ये वचन की राखी बांधी है, सीमा ने ये राखी बांधी है हमारे, ये वचन है, पूरे जीवन का वचन है कि हम इसके लिए तन मन धन से पूरी रक्षा करते रहेंगे। इसके दुख हमारे सुख इसके सुख। इससे बड़ी और सनातन धर्म रीति रिवाज पद्धति है, हम उसको मनाते हैं और उसके अनुसार कार्य करेंगे। हमेशा पूरे जीवन तक साथ रहेंगे, पूरे जीवन भर भाई बहन का रिश्ता ही रहेगा। हाँ। और ये हमारे लिए दुआएं करेगी। हाँ। आशीर्वाद देगी और हम इसके लिए आशीर्वाद देंगे और इसके लिए दुआएं देंगे। अच्छा ये बताइए नागरिकता कब तक मिल जाएगी? नागरिकता का प्रोसेस चल रहा है, नागरिकता का प्रोसेस भी चल रहा है, वो नागरिकता भी मिलेगी, सारी कुछ मिलेगी। इन्होंने राखी भेजी है देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को,
आदरणीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय रक्षा मंत्री जी को राखी भेजी है। मुझे भी राखी भेजी थी तो मेरी माँ ने कहा बहन अगर पास में हो तो जाके राखी बंधवानी चाहिए। और हम माँ ने कहा और साथ में माँ भी आई। माँ मैं साथ में माँ के आया हुआ हूँ। मैं मेरे माँ साथ कैसे आ सकता हूँ? बहुत बड़ी बात। मैं माँ के साथ आया हूँ, मैं जीवन भर माँ के साथ आऊंगा और बहन मेरे साथ बहन की तरह रहेगी। और गिफ्ट में क्या क्या लाए हैं सर? देख रहा है कि बहुत सारा साड़ियां है, बच्चों के लिए कपड़ा भी, बच्चों के कपड़े हैं, खाने पीने की चीजें। हमारे यहाँ एक रीति रिवाज है, हाथ भर के जाओ, भरे हाथ जाना चाहिए। बहन के घर में भरे हाथ जाना चाहिए जिससे बहन का घर भरा रहे और उसमें संपन्नता रहे, उसमें सुखी रहे, वो खुश रहे, और ये होना चाहिए। एक तरफ सीमा जो है सर भारतीय संस्कृति में ढलने का लगातार प्रयास कर रही है, ढल भी चुकी है, लेकिन जो लोग इस तरीके का टीका टिप्पणी बीच बीच में कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी करा रहे हैं, उन लोगों को क्या कहना? नहीं, वो बीतीता है, विसार दो, बात गई, जो छोड़ो उसको। नई बात, नया समय है, नया जोश है, नई उमंग है, नया त्यौहार। आज तो प्यार की बात करो, छोड़िए तकरार की, बस प्यार की बातें करो। लोग कहते ना, तोड़ दो तुम बीच की दीवार को, देखना आंगन तुम्हारा दो गुना हो जाएगा। क्या बात है। अच्छा सर ये बताइए, अंत अंत तक क्या कहना चाहेंगे जो लोग भी देख रहे हैं? देखिए, ये प्यार का त्योहार है, रक्षाबंधन का त्योहार है, भाई बहन का त्योहार है, और इस त्योहार को हम पूरी तरह से मनाएंगे। आपको क्या लगता है कि हमेशा ये वकील है और साथ साथ भाई भी बन चुके हैं, हमेशा जीवन भर आपका साथ देंगे, आपको लग रहा है? बिल्कुल देंगे, ये अगले जन्म में मेरे भैया रहे होंगे, तभी भगवान ने दूसरे जन्म में मिलाया। भगवान ने मैं बचपन में छोटे छोटे भगवान के, हमारी दोस्त एक होती थी तो छोटी भगवान होती थी, मैं उसे पहन लेके पहना करती थी, हालांकि डांट पड़ती थी, जरूर कोई कनेक्शन होगा तभी तो बड़े होके सब हुआ यहाँ। पहले का कोई कनेक्शन? बिल्कुल, मैं यही मानती हूँ। अगले जन्म अभी काफी मुश्किल वक्त है, जब बहुत कम ही लोग है जो आपका सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, और भाई मेरे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और अगले जन्म का रिश्ता कर उनकी बहन रही हूँ मैं, क्या आज हूँ मैं इनकी साथ। अंत में एक सवाल होगा, अभी भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला है, इसको लेकर आप किनका सपोर्ट करेंगे? जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान को ही करूंगी, अब हिंदुस्तानी हूँ मैं। ये सोचने वाली बात ही नहीं, आप भी समझ जाओ। बिल्कुल, अब ये सोचने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आप 100% भारत का सपोर्ट। बिल्कुल, अब मैं भारतीय हूँ। बाकी आप देख सकते हैं कि सीमा जो है भारतीय संस्कृति में ढल रही है, यहाँ पर ये देखिए आशीर्वाद भी दे रहे हैं। पूरा आशीर्वाद है बहन को, पूरा आशीर्वाद है बहन को, पूरा तन मन धन से। ये बड़ा रिश्ता है, वकील बाद में बनता है, पहले व्यक्ति बेटा होता है, भाई होता है, अपने भाई का भाई होता है, अपने गांव का होता है, परिवार का होता है, फिर गांव का होता है, फिर प्रदेश का होता है, फिर देश का होता है, फिर वो दुनिया का होता है। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री, जब देश के प्रधानमंत्री है तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। मिली हुई कोई राजनीति तो नहीं है, क्योंकि पहले एपी सिंह आते हैं, झंडा फहरवाते हैं, तिरंगा फहरवाते हैं, और इसके बाद राखी बनवाते हैं सीमा से ये। अरे साहब, आप रिश्तों को रिश्ता रहने दो, आप कैसी बात करते हैं? ये प्यार की बात है, बहन भाई की बात है, अपने दिल पे हाथ रख के देखो, अपनी बहन का चेहरा याद करके देखो। सीमा को आप बहन मान चुके हैं? बहन मान लिया है बिल्कुल, और जिससे घर भरा रहे, जिससे मेरी बहन का घर भरा रहे, उसका सुहाग बना रहे, उसकी ससुराल में खुशी रहे, उसके परिवार में खुशी रहे। और आज आप लोगों के माध्यम से मैं पाकिस्तान के उन असामाजिक तत्वों को करारा जवाब देना चाहता हूं, जो बहन भाई के रिश्ते को महत्व नहीं देते हैं, जो बहन भाई के रिश्ते को महत्व नहीं दे पाते हैं। आज आप लोगों के माध्यम से मैं उन असामाजिक तत्वों को जो गलत गलत बातें चलाते हैं, गलत गलत बातें कहते हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है। अब बहन माना है सन ने इनको, सीमा को, और सीमा ने उनको भाई माना है, और भाई बहन का रिश्ता बहुत वो होता है। बहुत खुश है आप? बिल्कुल, बहुत खुशी। सीमा जी आपका बहुत स्वागत है। बाकी आप देख सकते हैं कि अभी के समय में आप सीमा को देखेंगे तो धीरे धीरे जो है भारतीय संस्कृति में ढलने का प्रयास कर रही है, क्योंकि सबसे पहले आपने देखा होगा कि 15 अगस्त को तिरंगा भी फहराई, उसके बाद तीज का त्योहार भी की, चंद्रयान 3 जो है जब चंद्रमा पे गया तो उस समय भी वो जश्न मनाई, और अब जो है उनके वकील एपी सिंह को सीमा जो है वो राखी भी बांध दी है, एपी सिंह भी बहुत सारे गिफ्ट लेकर पहुंचे हुए हैं। तो बाकी इन सारी चीजों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें, आप हमारे साथ जुड़े हैं। जय हिंद।